ये कहानी है एक पुत्री और पिता की। पुत्री करीब 10-15 साल की थी। बहुत ही ज्यादा दुखी होके एक दिन अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी मुझे नहीं लगता कि मेरा जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक चीज करने चलती हूँ और वो बिगड़ जाती है, फिर मैं दूसरी करती हूँ वो बिगड़ जाती हो, और मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। पिताजी एक मशहूर रसोई थे, जिसको हेड शेफ कहते हैं अंग्रेजी में। वो थोड़ा मुस्कुराए और उसको बोले, आओ बेटा चलते हैं। और वो उसको ले गए अपने किचन में, यानी अपने रसोई में। पुत्री को कुछ समझ में नहीं आया ये कर क्या रहे हैं, लेकिन पिताजी थे उनके साथ चली। पिताजी गए, उन्होंने 3 पॉट जिसको कहते हैं, 3 प्याले उठाए और उसको गैस पे रख दिया पानी भर के। तीनों गर्म हो रहे थे। पुत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैंने इनसे पूछा है कि मुझे इतनी समस्या है, मुझे समाधान नहीं दे रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। फिर पिताजी लेके आए एक बड़ा सा मोटा सा आलू। उन्होंने उसको पहले प्याले में डाल दिया, प्याला गर्म हो रहा था। फिर उन्होंने उठाया एक दूसरा अंडा, मुलायम सा सफेद सा, उसको उन्होंने दूसरे प्याले में डाल दिया। और फिर उन्होंने कॉफी की शीशी को खोला और एक चम्मच कॉफी का बीज तीसरे प्याले में डाल दिया। पुत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसको लगा पिताजी को लगता है आज भी होटल के काम के चक्कर में ही बिजी है। वो देख रही थी, समय बीतता जा रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए। उसके बाद उसने पिताजी से पूछा, पिताजी आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं। पिताजी फिर मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटा 3 प्याले लेके आओ। वो गई, 3 प्याले लेके आई और बोली, ये लीजिए पिताजी, बट मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। पिताजी ने कहा, तुम्हें क्या दिखता है? ये कैसा सवाल हुआ? इसमें आलू है, इसमें एक अंडा है और इसमें ये कॉफी पड़ी हुई है। ने उसने तो पिताजी ने कहा, नहीं, तुम थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखता है? आलू है, अंडा है और कॉफी है। तब पिताजी ने बोला, अगर तुम ध्यान से देखोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। ये जो पहला आलू है, वो जब पानी में गया था उस समय वो बहुत ही सख्त था, मोटा था, लेकिन अब 20 मिनट के बाद उबल के बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया है, मुलायम सा हो गया है। ये जो अंडा है, जो उस टाइम पे अगर ज्यादा जोर से दबाते तो टूट भी जाता, लेकिन अब अगर तुम उसके बाहर की परत निकालोगी तो ये एक अंदर से मजबूत ठोस चीज दिखेगी तुम्हें। और ये जो कॉफी है, ये तो एकदम बदल ही गई है। ना सिर्फ खुद बदली है, बल्कि इसने पानी को भी बदल दिया है। ये एक तरह से हमारे जीवन को प्रदर्शित करते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं जीवन में। ये हमारा उबलता हुआ पानी, ये है हमारे जीवन की समस्याएं। सबके पास अलग अलग, बहुत बार सेम तरीके की समस्याएं आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो आलू की तरह होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन थोड़ी देर समस्याओं से जूझने के बाद वो टूट जाते हैं। वो होते हैं पहले प्रकार के लोग। दूसरे वो होते हैं जो बहुत डरे से होते हैं, बहुत से संकुचित से रहते हैं, लेकिन जब वो समस्याओं का सामना करते हैं, वो करते 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 बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और ये जो तीसरे लोग होते हैं, वो होते हैं कॉफी की तरह, जो कॉफी के बीज जब वो पानी, गर्म पानी में पड़ते हैं, जब किसी उन लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो ना सिर्फ उसका वो अच्छे से सामना करते हैं, बल्कि कुछ नया बना के निकलते हैं, कुछ अच्छा बना के निकलते हैं। तो बेटा, अब ये तुम्हें निश्चित करना है कि तुम एक आलू बनना चाहती हो, जो हो बहुत उत्साहित हो के समस्याओं से जूझना शुरू करो लेकिन फिर टूट जाओ, कि तुम एक उस अंडे की तरह बनना चाहती हो जो बहुत डरा डरा रहे लेकिन समय बीतने के साथ साथ बहुत ज्यादा कठोर हो जाए, या तुम उस कॉफी के बीज की तरह होने चाहती हो
जो जब समस्याएं आए तो उससे कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर सके। और यही सवाल मेरा आप सब से है। अगर हम इस समय दुनिया की परिस्थितियों को देखें तो इस समय बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम सब जूझ रहे हैं अलग अलग चीजों से, बट हमें ये निश्चय करना है कि हम आलू हैं, अंडे हैं कि कॉफी के बीज हैं।